हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक एनी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कमाल के एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आप अगर अपने फोटोज या वीडियोस किसी से हाइड करना चाहते हो, आप अपने मोबाइल में ही रखना चाहते हो, कोई ऐप लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ दोस्तों, कोई एप्लीकेशन लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपकी गैलरी में से फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह हाइड कर सके और किसी को पता चले कि ये एप्लीकेशन लॉक है। तो आप अपना जो भी इमेज वीडियो आप कहीं पे हाइड कर सकते हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे गूगल पे। क्या आप मानते हो दोस्तों, आप गूगल के ब्राउज़र में आप अपना फ़ोटोज़ या वीडियोस हाइड कर सकते हो? अगर आप ये जानना चाहते हो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे अच्छे खासे नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने गूगल के ब्राउज़र में हमारे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हाइड करें और वो किसी को पता ना चले। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। मैं एप्लीकेशन के डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की, कुछ परमिशंस पूछेगा, आपको सब यस यस करते जाना है। मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। आपको थीम सेलेक्ट करना है, या तो गूगल के पीछे छुपाना चाहते हैं आप बिंग या ओके भी, मैं बेसिक गूगल पे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको पासवर्ड सेट कर देना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट कर देना, मैं पासवर्ड रख देता हूँ यहाँ पे, मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पे रख देता हूँ गूगल। किसी को पता चलेगा दोस्तों, ऐसा भी कोई पासवर्ड हो सकता है। ये देखिए मैंने पासवर्ड गूगल सेट कर दिया, यहाँ पे आ गया मैं यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे आके गूगल ब्राउजर पे क्लिक क्या करना है, हमको सिर्फ गूगल पे टाइप कर देना है। देखिए जैसे मैंने गूगल पे टाइप कर दिया, मेरा अलग से एक फोल्डर ऑन हो चुका है। यहाँ पे फोल्डर ऑन हो चुका, मैं यहाँ पे मेरा फोटोज़ हाइड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया फोटोज़ हाइड करने के लिए, ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे प्लस आइकॉन पे आपको लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फोटोज़ या वीडियोज़ क्या आप हाइड करना चाहते हो, वहाँ ये सभी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल मेरे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे मैं हाइड करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो पे सेलेक्ट किया, इस फ़ोटो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो चुका मेरे गैलरी से, तो ये यहाँ पे हाइड हो चुका दोस्तों ये फ़ोटो। अभी मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर देता हूँ, एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे मैं खोलूँगा उसी एप्लीकेशन को एक बार फिर से। अब मैंने यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे गूगल खुल गया। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, ये नॉर्मल ब्राउज़र की तरह यहाँ पे काम करेगा। ये देखिए मैंने जो पासवर्ड सेट किया वही टाइप करूँगा तभी वो फोल्डर खुल जाएगा, उसके अलावा कोई और फोल्डर खुलेगा नहीं। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, यहाँ पे यूट्यूब आ चुका। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने कोई भी फोटोज इमेजेस हो आप ईजीली हाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे गूगल पे टाइप कर देता हूँ फिर से जो मेरा पासवर्ड सेट किया हुआ था, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ये देखिए डायरेक्टली हमारे फोल्डर में रीडायरेक्ट हो चुका। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने कोई भी वीडियोस, इमेज, पर्सनल फाइल्स होती हो, आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, वो चीज़ें आप बहुत ही आसानी से छुपा सकते हो बिना किसी को पता चले कि आप कोई ब्राउज़र में अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हाइड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे दबा देना, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही नए नए हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।